अब ये क्या कह रहे हैं, 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर इज डिजोल्व इन एक्सेस H2SO4 टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.02 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब कहता है कि 10 ml ऑफ 0.02 सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज मिक्स्ड विद एक्सेस KI। ठीक है, ये रिएक्शंस लिख दी। फिर कहता है लिबरेटेड आयोडीन इज ट्रीटेड विद हाइपो विच रिक्वायर VML ऑफ 0.1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन इट्स कंप्लीट रिडक्शन। इसने बोला 2.5 ग्राम सैंपल था कॉपर का, उसको डिसॉल्व कर दिया H2SO4 में, तो कॉपर सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन मिला, 100 ml और 0.02 मोलर हमने प्रिपेयर करा। फिर हमने उसका एक सैंपल ले लिया 10 ml का। ठीक है, जब सैंपल में क्या होता है, कंसेंट्रेशन सेम रहती है। ठीक है, तो 10 ml ले लिया और वो भी 0.02 ही है। ठीक है, अब इस सैंपल को हमने एक्सेस KI के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इससे क्या मिली हमें, आयोडीन मिली। ये रिएक्शन एक्सटेंड होके यहां चली गई। ठीक है, अब इस लिबरेटेड आयोडीन को हमने क्या किया, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया। ये जो I2 है ना, ठीक है, रिएक्ट करवाया तो किस में चली गई, I- Na2S4O6 में। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम पूछी है हमसे और इसकी मोलारिटी 0.1 मोलर दे रखी है। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन और इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। ठीक है, क्योंकि ये -1 से 0 में जा रहा है, क्योंकि 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो -1 में है। ठीक है, क्योंकि I2 का यहाँ n फैक्टर और वहां n फैक्टर सेम है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2 प्लस या CuSO4 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। ठीक है, CuSO4 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, रेडॉक्स में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर देते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। ठीक है, इसका 10 ml सॉल्यूशन था। ठीक है, और 0.02 मोलर था। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे, एन फैक्टर चेक कर लेंगे। तो यहाँ ये +2 से +1 में आया। ठीक है, एन फैक्टर क्या है, 1 है। तो देखो 10 ml था इंटू 0.02 मोलर था और एन फैक्टर क्या था, 1 था। तो यही I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, जो कि किसके बराबर आएंगे, Na2S2O3 के। इसकी वॉल्यूम V है, ठीक है, इसकी मोलारिटी 0.1 मोलर है और इसका एन फैक्टर क्या है, यहाँ ये 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, 2x माइनस का 6 प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी +2 है। ठीक है, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4x माइनस का 10 इक्वल टू 0, यानी 2.5। तो चेंज कितने का आया, 0.5 का इंटू 2, तो एन फैक्टर क्या है, 1 है। तो वॉल्यूम कितनी आएगी, इसको मैं 2/100 लिख दूं, कट गया इस पॉइंट से, ये 10 गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी आई, 2 ml। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला, 22 का ए वाला ऑप्शन सही है, 2 ml हाइपो सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है।